श्रीलोस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सबको आई बिलोंग टू यू का फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। जहाँ हमने देखा था कि जैन ने अपने रेडियो शो की रेटिंग्स को नंबर 1 तक पहुँचाने का चैलेंज लिया था, मगर आज जब उस चैलेंज का आखिरी दिन था तो बदकिस्मती से युमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके चलते जैन को अकेले ही लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। दोस्तों, आज की शो पे उसकी कॉलर एक बच्ची थी जो उसे बताती है कि उसकी मोम की तबीयत खराब चल रही है और वो अकेली थी। जैन उससे बात करते वक्त खुद को उससे रिलेट कर पा रहा था। वो इमोशनल होकर अपनी खुद की मोम को याद करता है जो कि उसके लिए बहुत मेहनत करती रही, मगर आज उनकी बीमारी के चलते उसे पहचान भी नहीं पाती है। वो उस बच्ची के चेहरे पे स्माइल लाने में कामयाब होता है। इसके बाद उसकी नज़र युमी पे पड़ती है, जिसकी हालत और खराब होती जा रही थी, इसलिए वो शो को बीच में ही रोक देता है। वो युमी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और पूरी रात वही उसके साथ रुकता है। रेटिंग्स के हिसाब से उनका हाफ कंडक्टर शो नंबर 2 पे था। नंबर 2 पे यानी चैन चैलेंज हार गया था और उसे पूरे ऑफिस में आई एम एन इडियट का बोर्ड लेकर घूमना पड़ता है। चैन हंसते हुए पैरेट करता है क्योंकि अब उसके शो को पहले से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। कुछ दिनों के बाद जूही उनके शहर में आती है और शेंग बहुत खुशी से कॉलेज के दोस्तों के सामने जूही से अपना लव कन्फेस करता है, मगर लिफ्ट से जाते वक्त जूही उसे सच्चाई बताती है कि उसने शेंग से सच्चा प्यार ना ही कभी किया था और ना ही वो आगे कर पाएगी। इसके बाद वो टैक्सी से एयरपोर्ट के लिए वापस जाने लगती है। शेंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, उसके लिए रोने लगता है, मगर जूही पे इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। शेंग को यकीन नहीं हो रहा था कि जूही ने सिर्फ उससे फेक लव किया, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ दिनों बाद लीजी को कुछ गुंडे घेर लेते हैं और शिवा भी उसे बचाने वहाँ पहुँच जाता है, मगर लीजी बहुत बहादुरी से उसे नीचे गिराकर शिवा को प्रपोज कर देती है। वहाँ उनमें से एक गुंडा लीजी को धमकी देता है कि वो उससे बदला लेने जरूर वापस आएगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस के बाहर बैंक की तरफ से आए कुछ लोग यंकी कार को अपने साथ ले जाते हैं और इतना ही नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी भी सील कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो मैं अभी आपको सब समझाती हूँ। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस सब के बीच यंग की मुलाकात एक आदमी से हुई थी जिसने उससे बहुत सारे पैसे उधार पे ले लिए थे। वो आदमी उसे धोखा देकर उसका सारा पैसे लेकर गायब हो गया था, मगर इस टाइम भी जैन को यंग की चिंता थी, इसलिए वो जानबूझकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है ताकि वो अपनी कार का इंश्योरेंस क्लेम कर सके। इस एक्सीडेंट में जैन को कुछ चोटें भी आई थी। अगले सीन में जैन, लीजी, युमी और शिवा एक साथ घूमने शहर से बाहर खूबसूरत लोकेशन पे जाते हैं, जहाँ शिवा अपनी लवर लीजी से अपने प्यार का इजहार कर देता है और लीजी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वह चुपके से कमरे के अंदर से युमी, शिवा और लीजी के लिए खुश थी और एक्साइटेड भी। वो कहती है कि काश मुझे भी कोई इसी तरह प्रपोज करता। कुछ दिनों बाद टीवी देखते वक्त शिवा और जैन को उनका दोस्त शेंग एक रिफ्यूजी कैंप में खाना बनाते हुए नजर आता है, यानी कि उसकी इतनी खराब हालत हो चुकी थी कि अब वो खाना बेचकर पैसे कमा रहा था। ये एक दूसरे से कुछ बात करते हैं। अगले सीन में जैन और युमी पास के गाँव में रुक कर वही रात गुजारते हैं और युमी जैन से पूछती है कि क्या तुम फिर से मेरे साथ यहाँ आना चाहोगे, मगर जैन उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वह दूसरी तरफ यंग बहुत टाइम के बाद रात का रेडियो शो अकेले होस्ट करती है। इस शो में वो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताती है कि कुछ साल पहले उसे जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार हुआ था। उस टाइम वो कॉलेज में थी। जिससे मैंने प्यार किया था उसने मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे और हम दोनों बहुत खुश थे, मगर कुछ ही दिनों में उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। जैन खुद की लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस था, ऐसे में भला वो मुझे कैसे खुश रख पाता। आज वो खुद अकेला और उदास हो चुका है। उसकी बातों को सुन के जैन इमोशनल हो जाता है और इनके अलावा युमी भी उस रात कुछ सोच सोच कर परेशान नजर आ रही थी। अगली सुबह युमी जैन से दावा करती है कि वो उसको और यंग को फिर से जरूर मिलाएगी।
शिवा और युमी कॉल करके शेंग और यंग दोनों को रेडियो ऑफिस के टेरेस पे बुलाते हैं और इनके यहाँ आते ही प्रोजेक्टर से इनकी कॉलेज की मेमोरीज को दिखाया जाता है और उन्हें याद करके दोनों शांत हो जाते हैं। इसके बाद ये फैसला करते हैं कि ये पुरानी बातों को भूलकर एक नई दोस्ती के साथ शुरुआत करेंगे। यंग उस शहर को छोड़कर कुछ टाइम के लिए दूसरे शहर चली जाती है और इसी बीच युमी भी काम छोड़कर गायब हो जाती है। जैन उसे बहुत ढूंढता है पर तभी हमें फ्लैशबैक में युमी की साइड स्टोरी बताई जाती है। दोस्तों लगभग 4 साल पहले जब युमी इस शहर में नहीं थी उस वक्त उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था। इन दिनों में उसे रेडियो का नंबर 1 शो सुनना बहुत अच्छा लगता था। दोस्तों ये वही शो था जिसे यंग और जैन होस्ट किया करते थे। उसने एक दिन दीवारों पे कुछ ड्राइंग्स बनाई थी और बारिश के वक्त जैन ने वहाँ आकर उसके ड्राइंग्स को भीगने से बचाने के लिए उनके ऊपर एक अम्ब्रेला ड्रॉ किया था। और तो और अब एक बड़े राज से पर्दा हटता है और हमें ये पता चलता है कि मूवी के पहले सीन की रात जिस लड़की ने आरजे जैन और यंग को बर्थडे के दिन अकेलेपन के एहसास के बारे में बताया था वो कोई और नहीं बल्कि खुद युमी थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं युमी खुद को उसका जिम्मेदार मानती थी, इसलिए उसने जैन की इंटर्न बनकर उन्हें वापस मिलाने के लिए रेडियो शो ज्वाइन किया था। इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और युमी मैसेज करके जैन को गुड बाय कहती है क्योंकि उसने उन्हें फिर से एक दूसरे को जानने में उनकी मदद की थी। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर लीजी के ऊपर वही गुंडा अटैक कर देता है जिसे उसने अरेस्ट करवाया था और वो मुसीबत में होती है। शिवा भी उसकी मदद के लिए वहाँ आता है मगर पुलिस से अरेस्ट होने से पहले उनमें से एक गुंडा खतरनाक हथियार से शिवा को मार डालता है। लीजी से इस खबर को सुनने के बाद जैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जैन के सभी करीबी उससे दूर चले गए थे और वो भी अपनी मोम के पास जाकर वही उनके साथ रहता है मगर उसकी मोम को कुछ भी ढंग से याद नहीं रहता था। जैन हर दिन युमी के वापस आने का इंतजार करता रहता है। वही लीजी को शिवा के सरप्राइज प्रोजेक्ट के बारे में तब पता चलता है जब शहर के सभी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीनों से शिवा के प्रपोजल की आवाज आती है। उसे सुनकर लीजी शिवा को याद करती है। इस मूवी के लास्ट सीन में जैन उसी जगह आया था जहाँ शिवा ने लीजी को प्रपोज किया था और उसी दिन युमी ने भी जैन से वहाँ वापस आने की बात की थी। जैन की आंखें पुरानी यादों से भर जाती है और तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी आंखें युमी से मिलती है जो बहुत सुंदर लग रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। दोस्तों आपको आज की मूवी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना।